92 बिजनेस प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा पैसा, इज्जत, शोहरत सब कुछ आपको मिला। आपके पास टॉप की सेलिब्रिटीज, पर्सनालिटीज, आपकी दोस्त है, बट आप खुद एक लोअर मिडिल क्लास में पैदा हुए, तो ये सब आपने कैसे अचीव किया? डिफिकल्ट आंसर करना, आपने बड़ी आसानी से पूछ लिया। आप असल में ये कह रही हैं कि अपनी पूरी जिंदगी की स्टोरी बताएं, एंड आई अंडरस्टैंड। अब जब लोग मीडिया पे देखते हैं टॉप सेलिब्रिटीज के साथ मेरे प्रोग्राम्स एंड वीडियोस आ रही होती हैं, तस्वीरें आ रही होती हैं, फिर इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट पे हर रोज बात हो रही होती है, तो समटाइम्स पीपल थिंक कि शायद इसे मिल गया, विरासत में कुछ मिल गया। लेकिन मेरी एफर्ट सारी की सारी एक वाकई आप कह सकते हैं कि गरीब नौजवान से अमीरी की तरफ और ओवरऑल जो भी अचीव किया उसकी तरफ आए, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, एक स्ट्रगल थी। यानी बचपन में वालदैन ने कहा कि बच्चा लायक है इसको, और मेरे बड़े भाई जो थे तनवीर अहमद मीर, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसका ख्याल किया कि मुझे पढ़ाया। पढ़ते करते करते UET लाहौर से मैंने इंजीनियरिंग की, लेकिन हमेशा से पता था कि यार कुछ करना है। एक जो जस्तजू होती है अंदर, मैं रेस्टलेस किस्म का नौजवान था, तो वहाँ से पढ़ के मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके UK गया, UK में मास्टर्स की, और एक एफर्ट है, यानी 18-18 घंटे की मैं उसको शिफ्ट कर रहा था, और फिर जाके यूनिवर्सिटी जाके क्लासेस भी अटेंड करनी थी, होमवर्क भी करना होता था, तो इंतहाई डिफ़िकल्ट आप कह सकते हैं सिचुएशन थी। तीले की तरह मैं पतला हो गया था क्योंकि खाने पीने का टाइम नहीं होता था। तो वहाँ से करते करते पहला टारगेट जो मेरे दिमाग में आता था कि मैंने एक अच्छी जॉब हो, कार, गाड़ी, फैमिली, घर, ये चीज़ें हों, UK के अंदर वेल सेटल। तो वो मेहनत की, 1.5-2 साल मैंने गधों की तरह, खोतों की तरह जिसने कहते हैं, वो काम किया और वो अचीव कर लिया। यानी मेरी अभी एक ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई थी, मुझे एक जॉब अच्छी कंपनी में UK में मिल गई, वहाँ तरक्की करते करते ऑपरेशंस मैनेजर, फिर ऑपरेशंस डायरेक्टर के लेवल पर पहुँचा। यानी एक अच्छी जो तनख्वाह होती है, फर्ज करें 10,000 से 20,000-30,000 डॉलर, वो मिलना शुरू हो गई। फिर घर था, गाड़ी थी, फैमिली थी, सब कुछ था, स्कूल नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि यार मैं बचपन से जो सोचता था कि ये चीज़ें मेरे पास होंगी, अच्छी जॉब होगी, अच्छे पैसे आ रहे हैं, साथ में एसेट्स बन रहे हैं, तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। लेकिन जब ये अचीव हुआ तो मैं बिल्कुल उसी तरह से बिल्कुल बेचैन जैसा नौजवान था, वो मेरी सिचुएशन थी। तो यानी उस टाइम पे मैं PhD कर रहा था, तो मैंने क्या किया कि इट वॉज मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था चीज़ें कि यार मैं, मुझे सुकून क्यों नहीं है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। तो वहाँ पे मैं एक, वो कहते हैं कि जब अगर दुनिया की खोज करनी है, उस ज़ात की खोज करनी है, तो पहले अपनी खोज करनी पड़ेगी। तो मैंने इनर जर्नी शुरू किया, यानी 5 साल उसमें पूरे लगाए, न्यूरो साइंस, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, हर फील्ड को मैंने खंगाल के मुझे समझ आया कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे सुकून क्यों नहीं। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी था, उसको 5 साल लगे मुझे चीज़ों की समझ आई। उसके बाद मेरा असल जर्नी शुरू हुआ। मुझे क्या समझ आई कि 1, अशरफुल मखलूकात बना के भेजा, कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में, अगर खुद पे यकीन हो, खुद अपनी हकीकत मालूम हो, पीछे जो रियलिटी है, अल्लाह ताला की ज़ात है, उसके साथ एक लिंक हो, उस पे यकीन हो, तो कुछ भी कर सकते हो। व्हेन आई अचीव दिस, कि वो मुझे चीज़ों की समझ आई, तो अगले दिन जाके मैंने सबसे पहले रेजिग्नेशन दिया, फिर लग पड़ा। यानी बिजनेसेस किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, एक डिफरेंट किस्म की मेरी सिचुएशन थी। पहले 7 बिजनेसेस फेल हुए, रोड पे आ गया, जितना पैसा था सब कुछ गया, और वो करते करते फिर 8वां बिजनेस था जिसमें ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह पैसा मिला, मल्टी मिलियनेयर उससे मैं बना। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि जब मेरा इनर स्पिरिचुअल जर्नी पूरा हुआ और फिर मैंने खुल के काम करना शुरू किया, तो मेरा असल सफर स्टार्ट होता है। तो वो करते करते आज आप जैसा कह रही हैं कि 92 वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस, ट्रेड गेट अभी लॉन्च कर रहे हैं जिसमें 300 से ज़्यादा पूरी दुनिया में ब्रांचेज, और दुनिया के टॉप के लीडर्स हैं, बिजनेस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, उनसे लेके सेलिब्रिटीज़, अब वो सारे मिल के काम कर रहे हैं। तो ये एक पूरा एक जर्नी था जी। मीर साहब, मुझे उन चीज़ों के बारे में बताएं जिन्हें करके आपको लगता है आपने ये सब अचीव किया। अच्छा, शुरू में क्लैरिटी नहीं होती। जो सबसे पहले चीज़ मैंने नोट की कि खुद अपना पता होना, अपने पे यकीन होना, फिर पीछे जो भी आपका बिलीफ है, जो पीछे ज़ात है, उस पर यकीन है, कामिल होना। फिर नेक्स्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है दुनियावी लिहाज से, वो ये है कि क्लैरिटी नहीं होती लोगों में, मुझ में भी नहीं थी कि मैं चाहता क्या हूँ असल में। वो जिस दिन मुझे क्लैरिटी हुई कि एग्जैक्ट मेरा विजन क्या है दुनिया में, मैंने क्या अचीव करना है, और टारगेट नहीं बना नंबर्स में, जिस 2030 का पूरी दुनिया को पता मेरा एक टारगेट है कि 300 से ज़्यादा फ्रेंचाइजेज, 250 बिलियन डॉलर्स, और कम से कम 10 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट डालना, ये सारे नंबर्स हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एक विजन होना चाहिए और एक टारगेट होना चाहिए, ये 1 है। उसके साथ साथ अपने आप पर यकीन, और ज़ाहिर
पीछे से जात है उस पर यकीन, और दूसरी ये चीज है इसके लिए पागल होना कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लोग सारे आपको फूलों के हार डालते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको गालियां देते हैं, समझते हैं नहीं समझते, आप मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो या आप डीमोटिवेटेड हो, किसी भी हालत में वो जो आपने एक दफा विजन और टारगेट बना लिया उसको अचीव करना, उसके लिए पागलों की तरह लग पड़ो। ये मैंने दो चीजें दुनियावी लिहाज से, दो चीजें, और फिर अगर स्पिरिचुअल लिहाज से देखें अपने आप पे यकीन, अल्लाह ताला पे यकीन, ये जब हो जाए फिर यू बिकम अनस्टॉपेबल। सो आई रियलाइज कि जब वो मेरा स्पिरिचुअल जर्नी पूरा हुआ, फिर चाहे मैंने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी, सब ने गालियां दी, सब ने कहा क्या कर रहे हो ये, ऐसी जॉब किसको मिलती है, तो लेकिन मुझे पता था कि मैंने टारगेट क्या बना लिया और कुछ भी हो जाए मैंने वो अचीव करना है, या नहीं अचीव होता मैंने कोशिश करते करते इस दुनिया से चले जाना, क्योंकि वही मेरे ख्याल में असल जिंदगी है। तो ये दो चीजें, अगेन क्लियर विजन एंड टारगेट, लोगों का नहीं क्लियर होता क्या चाहते हो जिंदगी में, कोई पता नहीं होता, जो दुनिया बता रही है सबकॉन्शियस में डाल रही है, बस हम गधों की तरह वो रैट रेस में लगे हुए हैं। ये आपका बन जाए और फिर उसके लिए कुछ भी करने के लिए आप तैयार हो जाओ हलाल तरीके से, ये दो चीजें आप कर लो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। यही वो चीज है दुनिया में, आप जब लोग मेरे साथ, चाहे सेलिब्रिटी है, लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा इसी चीज से इंप्रेस होते हैं कि यार इसका विजन है, क्लियरली लिखा हुआ है इसने कि 2030 में क्या अचीव करना है, और अभी जो मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, चाहे आप मुझे सेलिब्रिटी के साथ देखते हैं, कई दफा लोग कमेंट करना शुरू करते हैं कि लड़की साथ बैठी थी उसने कपड़े कैसे पहने हुए थे, चाहे आप मुझे शाहरुख के साथ देखेंगे, चाहे किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ देखेंगे, सबका सब जो कुछ मैं सोशल मीडिया पे कर रहा हूँ जो आप देखते हो, वो 2030 का जो मेरा विजन और टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। सब बहुत से लोग हैं जो आपकी इस जर्नी, आपकी इस स्टोरी से इंस्पायर हुए हैं, वो आपके साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं? जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं, अगेन जैसे आपने कहा स्टोरी समझो कि मेरा अपना विजन और मिशन क्या है, दूसरा उनको अपना लेवल पता होना चाहिए, लेवल पता होने का एक मल्टी मिलियनेयर लेवल है, डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, इस लेवल पे मैं कहता हूँ कि आप देने की तरफ आओ, यानी ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करो बड़े बड़े, आप मिलियनेयर हो पहले से, मल्टी मिलियनेयर हो, आपने बिलियनेयर बनना, तो इस पे इस जब आप करोगे अल्लाह ताला का और करम होगा। फिर एक लेवल है जो आप प्रोफेशनल हो, छोटा मोटा कोई बिजनेस है लेकिन आपको काम करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, ये क्लियरली आपको टारगेट पता होना चाहिए, और मैं वो डिफाइन करता हूँ $10,000 मंथली और $1,000,000, ये बगैर काम किए खुद ब खुद आपके पास आ रहा, तो आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम। फिर इसी तरह से जो $1,000 $2,000 कमा रहे हैं उन्होंने इन्हांस करके वो प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचना है। फिर करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जीरो पे हैं, नहीं कमा रहे, $1,000 से कम करवा रहे हैं तो कमा रहे हैं, तो इन सब के साथ मैं मिलकर काम करता हूँ, सबके लिए एक प्रोसेस है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रीडम, ये एक मेन टारगेट होना चाहिए, इस लेवल पर पहुंचे, क्योंकि उसके बाद जब अपने खर्चे पूरे हो गए, सब कुछ पुरसकून ज़िंदगी है, अल्लाह ने जब दिल में डालना तो आपने खुल के काम करना, अब लालच से नहीं करना, और जब लालच से, उसका कुदरत का निज़ाम है, जब लालच से नहीं करते वो ज़्यादा देता है, जब लालच से करोगे तो अच्छी खासी मेहनत करवाता है, जब लालच के बगैर करते हो तो फिर और ज़्यादा देता है, और आपको इस काबिल करता है कि आप हज़ारों लाखों लोगों का सहारा बन सको। तो ये अगर चीज़ें लोगों को पता है, अपना लेवल पता है, वो रब्ता कर सकते हैं टीम के साथ, और हर ट्रेड गेट एक मैंने ग्लोबल लॉन्च किया है, इन सारे लेवल्स के साथ, मल्टी मिलियनर से लेके जो जीरो पे नौजवान है, सबके साथ काम करता हूँ, तो वो लोग टीम के साथ रब्ता करें, जो गरीब लोग हैं जो अभी अर्निंग की तरफ आना चाहते हैं, $1,000 वाला टारगेट पूरा करना चाहते हैं, यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है उसमें वो सीखें, उनको तरीके बताते हैं, एक ग्रुप बनाया हुआ है यूथ लीडरशिप प्रोग्राम बाय मीर, उसको ज्वाइन करें, कोई लिंक होगा कमेंट्स के अंदर। जो लेवल फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आना चाहते हैं, $8,000 $10,000 $15,000 मेहनत करके कमा रहे हैं, वो चाहते हैं ऑटोमेट करें इस प्रोसेस को, उनके लिए एक हेल्पलाइन है, वहाँ पर रब्ता करें। मल्टी मिलियनर्स बड़े प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं, ट्रेड गेट का एक पूरा ग्लोबल नेटवर्क है, उसमें शामिल हो सकते हैं, मेरे साथ मिलकर मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, तो सबके साथ मैं काम करता हूँ। एक तो पहले ये चीज़ समझना, अपना लेवल समझना, फिर कौन से नंबर पर रब्ता करना या कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना है, ये अगर उनको समझ आ जाए तो बड़ी आसानी से मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट है फाइनेंशियल फ्रीडम या मीर साहब के किसी प्रोजेक्ट में शामिल होना, तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, और नौजवानों के लिए जो $1,000 कमाना सीखना चाहते हैं वो नीचे कमेंट में दिए गए ग्रुप को ज्वाइन करें।